हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और हाँ, मेरे वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर ना इवनिंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैं दियाबाती कर रही हूँ घर में, और अभी जो है ना शाम के 5 बज रहे थे और अभी मैं यहाँ पर देखिए घर में दिया जला लेती हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए, मैं छत से कपड़े वगैरह लेकर आई थी तो उन सभी कपड़ों को ना मैंने समेटा ही नहीं है, ऐसे ही रख दिया है। तो वो अभी दियाबाती करने के बाद अभी मैं सबसे पहले सभी कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके जगह पे और तय लगा कर मैं रख दूँगी। और उसके बाद जो है, हम बच्चे बाहर में खेल रहे हैं और मुझे भी ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे बाहर में रहते हैं ना तो मुझे टेंशन लगी हुई रहती है कि पता नहीं वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड के सामने हमारा घर है और 24 आवर्स ना यहाँ पर गाड़ियाँ चलती ही रहती है और छोटे बच्चे हैं तो मन में डर लगा हुआ रहता है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों के पास, वे दोनों बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी कपड़ों को मैंने करके और अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो वो मैं यहाँ पर ना सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये आ गया है मेरा बेटा और ये ना बार बार मुझसे बोल रहा था कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, और इसको ना बैडमिंटन का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और हमेशा ये, आप देख सकते हैं, मतलब जो बड़ा वाला बैडमिंटन होता है ना, ये वो लेकर आया है और मतलब सुबह उठते ही ना हाथ में ये बैडमिंटन ले लेता है। और अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है न्यू ईयर की, तो अभी घर पर ही है तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले बैडमिंटन ले लेता है और इसको बस खेलना ही रहता है। तो कभी अपने पापा को, कभी मुझे, हमेशा ये बोलते रहता है कि चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। तो वही मैं इसको बोल रही थी कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो पैर की एड़ियाँ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड में ना फटने लगती है, तो हमेशा ना मुझे कुछ ना कुछ इसमें लगाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखने लगता है। तो अभी जो है, मैं थोड़ा बहुत इसमें वैसलीन वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद है ना इसमें सॉक्स में पहन लूँगी। तो ऐसा करने से ना पैर की एड़ियाँ जो है ना वो फटती नहीं है। और बाहर में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और दिसंबर का टाइम चल रहा है तो ठंड तो होगी, सबसे ज़्यादा जो ठंड है ना वो दिसंबर में और जनवरी में रहता है। तो अभी दिसंबर तो अभी अब ख़त्म होने वाला है और एक महीना पूरा जनवरी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो ठंड से बचना ही रहेगा। मतलब अभी देखिए, मैं जा रही हूँ यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने, उसके बाद जो है बच्चे आ गए थे घर और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो चाय मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी चाय पीने के लिए, तो सिर्फ मैं दूध का आज जो है चाय बना रही हूँ ताकि उसको भी मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं दे दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो ज़िद कर रहे हैं और उनका मन रखने के लिए थोड़ा सा मैं दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए, ये लोग ना बार बार अपना टोपी खोल के फेंक देते हैं, तो अभी ना इनको मैं मंकी वाला टोपी पहना दे रही हूँ, क्योंकि ये वाला ना ये लोग जल्दी से खोल नहीं पाते हैं और जो ऊपर से पहनने वाला होता है ना, ये लोग सोते हैं फिर खोल देते हैं, खेलते हैं फिर खोल देते हैं, तो ऐसा ये लोग करते रहते हैं। और अभी ना ठंड जो है ना बच्चों को बहुत जल्दी लग जा रही है और मेरी बेटी को, तो अभी मैं शाम को डॉक्टर के यहाँ से लेकर आई हूँ और उसको ना ठंड लग गया है, एक साइड पे ना कान के नीचे उसका सूजन आ गया है और बुखार भी है, तो अभी उसको मैंने दवाई दिया है तो वो ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी थोड़ी सी चाय दे देती हूँ उसको भी और मैं खुद भी ले लूँगी, क्योंकि अभी बाहर में बच्चे खेल रहे थे ना तो मैं भी बाहर ही बैठी थी तो ठंड लग रही थी वहाँ पे। तो अभी देखिए अभी शाम के 6 बज रहे होंगे, तो मैं दोनों बच्चों को लेकर घर में आ गई हूँ और अभी यहाँ पर देखिए मैं चाय ले लेती हूँ और पी के और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मैंने दे दिया है तो ये यहाँ पर बैठ के पिएगी और मैं भी उसी के पास जा कर बैठ कर अभी चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं रात
रात का खाना बना रही हूँ, तो खाने में सिर्फ मैं रोटी बना रही हूँ। और जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो बहुत कम मैं रात को सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ठंड लगती है ना, तो दूध है तो दूध रोटी सब्ज़ी ये सब हम लोग खा लेते हैं। और दोपहर को थोड़ी ज़्यादा ही सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि ठंड का दिन है तो ख़राब होता नहीं है, और उसको फिर हम लोग गर्म करके और खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ रोटी बना रही हूँ, और ठंड में ना ज़्यादातर मैं कभी कभी मतलब सब्ज़ी रात में बना देती हूँ, नहीं तो फिर दोपहर को ही मैं सब्ज़ी बना कर ज़्यादा रख देती हूँ, और वही रात को भी खा लेते हैं हम लोग। और होता है ना कि ठंड में हमें ना मतलब बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, तो जो भी मेरा टाइम रहता है ना, मैं अपने बच्चों के साथ खेलने में या तो उनको पढ़ाने में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर है, फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। थैंक यू, बाय बाय।